जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। कोशिश यही की जाती है कि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि जो है वो यहाँ पर पेश ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी ये संदिग्ध जो है या आतंकी जो है ये कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। और कल की अगर बात करते हैं तो जिस तरह से दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में गैस सिलेंडर बम से सुरक्षा बलों की गाड़ियों को उड़ाने की जो साजिश इन आतंकियों की तरफ से रची गई थी, उस साजिश को हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया। लेकिन इसी के साथ साथ जहां कश्मीर संभाग के श्रीनगर की अगर बात करते हैं तो श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में जिस तरह से कल एक जो है नाका पार्टी पर, पुलिस की नाका पार्टी पर जो वहां पर आतंकियों ने जो है ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और उसके बाद उसमें दो जो सुरक्षा कर्मी हैं वो जो है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, और एक सुरक्षा कर्मी जो कि ASI थे वो जो है शहीद हो गए। जैसे ही उन पर जो है गोलियां बरसाई गई हैं तो उसके बाद इलाज के लिए उन तीनों सुरक्षा कर्मियों को जो है अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचाने के बाद उसमें से एक सुरक्षा कर्मी जो कि ASI की पोस्ट पर थे वो जो है शहीद हो गए। और इसी के साथ आपको बता दें कि उनकी पहचान मुश्ताक अहमद के रूप में जो है की गई है। और वहीं पर जहां दक्षिण कश्मीर के पुलवामा की भी बात हो रही है तो गैस सिलेंडर बम से सुरक्षा बल की गाड़ियों को कहीं ना कहीं जो है उड़ाने की साजिश जो है रची गई थी, तो अलग अलग तरह के तौर तरीके जो है अपनाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं दहशत का माहौल फैलाने की यहाँ पर कोशिश जो है ये पूरी तरह से की जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो कल श्रीनगर के लाल बाजार में ये आतंकियों की तरफ से जो है पुलिस की नाका पार्टी पर जो ये हमला किया गया, इसमें जो दो घायल हैं, दो घायल सुरक्षा कर्मी हैं, इनका इलाज चल रहा है। और वहीं पर घटना जैसे ही ये पेश आई है तो उसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को जो है घेर लिया और घेर कर तलाशी अभियान भी चलाया ताकि हमलावरों का सुराग मिल सके। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की अगर बात करते हैं तो वो भी घटना जहां पर हुई है वहां पर मौके पर पहुंचे और उनकी जानकारी ली गई। इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध थे जिन्होंने ये गोलियां बरसाई थी, जो आतंकी थे, वो कहीं ना कहीं वहां से भाग निकलने में सफल हुए हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो है वहां पर जितने भी सीसीटीवी कैमरा से हर एक कैमरा को खंगालने की जो है कोशिश की जा रही है, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी ये जानने की यहाँ पर कोशिश हो रही है कि आखिर कौन वो संदिग्ध थे और कहाँ से आए थे और क्या कुछ और मंशा थी। और इसी के साथ उनकी पहचान जो है वो भी की जाएगी सीसीटीवी फुटेज के आधार से ही। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरह से आतंकियों ने पुलवामा जिले की जहाँ हम बात कर रहे हैं वहां पर भी चौधरी बाग लिटर रोड पर 5 किलो वजन के पटाखे और बम से लैस गैस सिलेंडर को प्लांट किया था, और जैसे ही ये सूचना जो है सेना को मिली है तो उसके बाद पुलवामा पुलिस, CRPF और सेना की संयुक्त टीम जो है वो उन्होंने चौधरी बाग लिटर रोड पर सिलेंडर को बरामद कर लिया। और बम की बरामदगी होते ही पूरे इलाके को सील कर दिया गया, वहां पर गाड़ियों की आवाजाही को जो है वो भी रोक दिया गया था, और बाद में बम निरोधक दस्ते ने उसे सुरक्षित तरीके से नष्ट भी कर दिया। लेकिन जिस तरह से ये जो है जरूर एक दुखद समाचार सामने आया जहां पर एक ASI जो है श्रीनगर हमले में शहीद हुए हैं, परिवार का बुरा हाल है। और वहीं पर यही सेना की भी अगर बात करते हैं तो सेना का भी साफ तौर पर यही कहना है कि उनकी तरफ से कोशिश हमेशा यही की जाती है कि इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने से पहले ही उन्हें जो है नाकाम जो है वो कर दिया जाए। लेकिन इस तरह से यहाँ पर सक्रिय नजर आ रहे हैं ये तमाम आतंकी संगठन की बार बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में ये सफल हो जाते हैं।